बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ बनाया है। 25 वर्षों से हमें आज तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई है, और हमारे धरना आंदोलन को उन्होंने समाप्त करवाया है। इसी आधार पर हम शपथ लेते हैं कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं करेंगे और हम आम चुनाव का हम गली गली में काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारी मूलभूत सुविधाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम काफी महीनों से विगत 7-8 महीनों से हम प्रयास कर रहे हैं। अभी 1 महीना पहले भी हमने शपथ ली थी कि हम वोट नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी कॉलोनियों में पार्टी लोग हमारे आ रहे हैं, हमसे विनती कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें वोट नहीं देंगे। हमने शपथ ली थी कि हम मतदान नहीं करेंगे और हम मतदान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। तो आप किस पार्टी का विरोध कर रहे हैं अभी? हम सभी पार्टियों का विरोध कर रहे हैं। हम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है। हम सभी पार्टियों का विरोध कर रहे हैं। हम किसी भी पार्टी को अपना मतदान नहीं करेंगे। अरे इतना आक्रोश क्यों है यहाँ? आक्रोश यूँ है कि परेशान हो रहे हैं बुढ़े बुढ़े लोग बेचारे, 2-2 किलोमीटर से पानी लेने जा रहे हैं। पानी लाने की कोई सुविधा नहीं, ना नल नालियाँ कुछ भी नहीं, ना कॉलोनी वेद, सबसे परेशान हो रहे हैं। और कहने जाते तो हाँ हम वेद कर देंगे, आ जाए नेता लोग और कहते हैं हम वेद करेंगे। अब वो वोट लेने आएंगे तो हम वोट कैसे देंगे उनको? और मेतर बना के हमारे घर का गली चौड़ा फेंकते हैं, तो नेता लोग औरतों को भेज दें वो और करवा दें सफाई हमारी। तो अब वो वोट मांगने आएंगे तो आप क्या करेंगे उनके साथ? जूते रखेंगे हाथ में कि वोट जब देंगे हमारी कॉलोनी वेद करो, और वेद नहीं करोगे तो जूते मारेंगे हम। जैसा कि मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को मालूम है कि जनवरी माह के अंदर आंदोलन किया गया था, 30 वर्षों से कॉलोनियां बसी हुई है, 8,000 लोग यहाँ निवासरत हैं, और 30 वर्षों के अंदर शहर के अंदर प्रदेश के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों कॉलोनियां शिवराज मामा ने वेद कर दी हैं, लेकिन हमारी 7 कॉलोनियों के साथ ना जाने कौन सा दुर्व्यवहार पाल करके बैठे हुए। बीजेपी भी पाल करके बैठी है और कांग्रेस भी पाल करके बैठी है, क्योंकि दोनों की ही सत्ता रही है इस समय के अंदर। जनवरी के अंदर जो आंदोलन किया था उससे अर्ध नींद से जागे थे, वो पूर्ण नींद से नहीं जागे थे, अर्ध नींद से नेता भी जागे थे और प्रशासन भी जागा था। जो उन्होंने हमारा धरना उठाने के लिए हमें प्रलोभन दिया, हमें लालच में लिया और कहा कि एक माह के अंदर ही तुम्हारी कॉलोनियों को वेद कर देंगे, सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन 8 माह बीतने के बाद हमारी स्थिति जस की तस है। उसके बाद हमने मजबूरन पिछले महीने एक रैली निकाली थी और मीटिंग की थी सभी कॉलोनी वासियों ने, हजारों की संख्या के अंदर उसमें लोग शामिल हुए थे और सभी ने अग्नि को साक्षी मान करके शपथ ली थी कि इस बार हम किसी भी नेता को किसी भी दल को वोट नहीं करेंगे। जब हम अवैध हैं तो फिर वेद मतदान कैसे कर सकते हैं, इसलिए हमने अग्नि को साक्षी मान करके शपथ ली थी। उसके बाद आज प्रतिदिन रोज ही विरोध प्रदर्शन हमारा चल रहा है, जगह जगह हमने हमारे पोस्टर लगा दिए कि हमसे कोई भी मत मांग करके हमें शर्मिंदा ना करें, और जिला प्रशासन हमसे मतदान की अपील करके हमको शर्मिंदा ना करें, क्योंकि जिला प्रशासन है, उनके खिलाफ अगर हमारी जनता बोलेगी तो कोई सी भी कार्रवाई वो करने का डर बताते हैं, धौंस बताते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव पूर्ण हो जाए, इनकी आचार संहिता हट जाए, क्योंकि देश की संस्कृति है मतदान करना, हमने तो उसका बहिष्कार कर दिया। पूरे देश के अंदर मतदान हो रहे हैं, 4 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होने के बाद में इतना उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि अब इनको नींद से नहीं, यूं मान लो कि अब तो इनको बिस्तर से उठा करके बिठा के रख देंगे हम, क्योंकि हमारे साथ जितना धोखा करना था इन्होंने धोखा कर लिया है। अभी 1 माह पहले जब हमने शपथ ली थी तो SDM के वहां से एक लेटर जारी हुआ था धनोतिया जी को, इनका जो इंजीनियर है, कि आप कैसे भी करके सीमांकन करके 7 दिवस के अंदर यहाँ की नप्ती करके और उनके समक्ष पेश करें ताकि इस कॉलोनी को जल्द से जल्द वेद कर दिया जाए। लेकिन वो 7 दिवस तो गए, 1.5 माह बीत गया है, अभी तक ना तो धनोतिया जागे हैं वहाँ से, ना घर से बाहर निकले, ना SDM जी ने कोई सुध ली है। पूरे जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर प्रचार कर रहे हैं एक और तो जगह जगह की मतदान करो मतदान करो मतदान करो, लेकिन हम यहाँ मतदान का बहिष्कार करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि यहीं से हमारी कॉलोनियाँ वेद हो सकती है, कोई बड़ा प्रोसेस भी नहीं है, लेकिन शायद हमारे साथ दुराचार हो रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और इसका जिम्मेदार पूरा जिला प्रशासन है और दोनों